देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहुत हो गया तुम्हारा, हर बार बचते हो तुम। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मगर इस बार तुम लोगों ने जो करण के साथ किया ना, उसके गुनाहों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम शट अप, शट अप। आज हम सूर्यवंशी एक शब्द भी प्रीता जी के खिलाफ या मेरे भाई के खिलाफ बोला ना, यकीन मानना मैं भूल जाऊंगा सारी मर्यादा। अर्जुन अंदर चलो, अर्जुन अर्जुन चलो अंदर प्लीज। चले जाते जाते एक बात सुनती जाओ, आने वाले 7 दिन सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारा मेरा रिश्ता बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि इन 7 दिनों में पूरी दुनिया को सच्चाई पता चलेगी। सच यही है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम भी रिलैक्स, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कारोबार, सब कुछ छीन लूंगा तुमसे। बाकी जी, अर्जुन एक आग का दरिया है और आपका मन है कि उसके लिए पिघलता ही चला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है महेश जी, जब मुझे गुस्सा आता है ना, बहुत डांट देती हूँ उसे। उस दिन जब उसके घर गई थी तो बहुत डांटता था, लेकिन आज उसे देख के मन ही नहीं हुआ डांटने का। बस समझाया उसे कि मेरा ऋषभ गलत नहीं है। आप सब मानो ना मानो, समझो ना समझो, लेकिन मैं समझ गई हूं, वो मुझे माँ की तरह प्यार करता है और ऋषभ को भाई की तरह। अर्जुन, मैंने आपको कहा था ना, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बदतमीज पागल इंसान, चलिए आप यहां से। हाँ जाओ प्रीता, जाओ। उससे शादी करूंगा, याद रख। अर्जुन क्या कर, अर्जुन 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 उठो प्लीज। अर्जुन, ऋषभ जी जब ये होश में आए, एक सेकंड प्रीता जी, को बताना बहुत जरूरी है। जब ये होश में आएगा ना, तो इसे बताइएगा कि इसने क्या किया है और क्या कहा है। और जो इसने किया है वो माफी देने के लायक नहीं, वो ना माफी देने लायक है। मामगा, वो तो सो गए सर। इन 7 दिनों में पूरी दुनिया को सच्चाई पता चलेगी। सच यही है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब ये सो जाएगा दादी, आप ही जाकर आराम कर लीजिए। आने वाले 7 दिन सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारा मेरा रिश्ता बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अर्जुन उठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, जल्दी उठो। अर्जुन उठो, उठो। क्या है अंजलि? मेरी तरफ देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ऋषभ के सामने करण की बात क्यों की? नहीं,
नहीं, What the hell, Anjali? तुम मुझे बताओ what the hell? हाँ? और ये बताओ कि इतने पानी से तुम्हारी उतरी है या और पानी लेकर आऊँ? नहीं नहीं, उतर गई उतर गई। क्या कर रही हो अंजलि यार, तुम पूरा बेड गीला कर दिया। तुम लोगों ने जो करण के साथ किया ना, उसके गुनाहों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। प्रीता जी, समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ ये इंसान कैसे बोल सकता है। इतना गलत, इतना वाहियात, क्या सोच रहा है वो अपने दिमाग में? प्रीता जी आप... नहीं, करण का नाम क्यों लिया उसने? प्रीता जी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। एक तो वो आदमी बेवकूफ है, ऊपर से उसने शराब पी रखी थी। ऐसे आदमी नहीं, पहली बार नहीं है। आपको नहीं पता है वो कई बार करण का जिक्र कर चुका है। करा है उसने? जब बात करता है वो करण का नाम लेता है जी। कोई ना कोई उसकी बात जरूर छेड़ता है। क्यों करता है वो ऐसा? उसने बहुत सी गलत बातें कही जिसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंशु, और आपको भी आ रहा होगा, हमें उसको खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए था। आपने तो लगा दिया, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन सी बात कर रही है? करण का बदला लेना चाहता हूँ। करण? हाँ करण, तुम्हें याद भी है तुमने कम से कम 100 बार करण का नाम लिया होगा। तुम बार बार उन दोनों को ये बोल रहे थे कि मैं तुम दोनों से करण का बदला लूंगा। अर्जुन, तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। तुम्हें पता है तुमने ऋषभ से क्या कहा? कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो तुम पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन इतना दर्दनाक वक्त दूंगा कि तुम याद रखोगे। और फिर मैं प्रीता से भी बदला लूंगा। और तुम दोनों की जो ये शादी है, ये मुझे खोखली लगती है, तो मैं तुम दोनों की शादी में आग लगा दूंगा, तबाह कर दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन सूर्यवंशी को अब प्रीता से शादी करनी है, वो भी 7 दिन के अंदर। तुमने इतनी बकवास की अर्जुन, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? बता भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अर्जुन। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्शियस, सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था ना, उसी वक्त तुमने सब कुछ बोल दिया। उनके मुंह पे तुमने सब सच बता दिया। क्या लगता है तुम्हें, बेवकूफ है वो लोग? समझ में नहीं आता उन्हें कुछ? अब तुम देखना, तुम्हारे हर एक लफ्ज का मतलब निकालेंगे वो, और तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। क्या मतलब है करण का बदला लेगा? ये सब बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है? क्यों कर रहा है ये सब? उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है करण का इस तरह नाम लेने की बार बार? नहीं, वो जितना वो करण का नाम लेता है ना, उतनी मुझे उससे नफरत होती है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे मालूम है, एक तो वो आदमी बेवकूफ है, ऊपर से उसने शराब पी रखी है, अब उसकी बातों से, उसकी वजह से उसने बोल दिया। आप परेशान हो रही हैं प्रीता जी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। वो बेवकूफ है, आप देखना कल वो आ जाएगा माफी मांगने के लिए। और मुझे मालूम है जो उसने किया वो बहुत गलत था, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। पर उसके लिए मैं आपको परेशान होता नहीं देख सकता हूं प्रीता जी, आप इधर आइए। अपने मुंह से करण का नाम क्यों लेता है वो? नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं है इस बात का। अपना मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, तुम जाओ वहां पर उनके पास, कोई भी झूठी कहानी बताओ, तुम उनको कुछ भी बोलो, और सबसे पहले ना उनके बिजनेस पर वार करो, और छिप कर वार करो, ताकि तुम्हारे वार को कोई रोक ना पाए। लेकिन अपना ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है, उसे एकदम अलर्ट कर दिया है।
अब वो पहले की तरह तुम पर भरोसा नहीं करेगा। उसे पता है कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो और इस जगे हुए ऋषभ लूथरा को तुम्हें हराना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल को तुम्हें पॉसिबल करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये बाजी जीतनी होगी। बहुत शौक है ना अर्जुन सूर्यवंशी को जीतने का। अर्जुन सूर्यवंशी, करो जितनी कोशिश करनी है तुम्हें जीतने की, तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम गलत थे और आज भी गलत हो। मैं कल ही पूरे परिवार से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। परिवार के सामने जाकर बात करोगे? मतलब वही जो तुमने कहा वही करूंगा। मतलब कोई नई कहानी बनाकर सुनाओगे उन्हें, राइट? ठीक है, तुम सो जाओ अब। और हाँ, इस गीले बिस्तर पर ही सो तुम, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। मैं गेस्ट रूम रेडी करवा रही हूँ, वहां जाकर सो जाना। कृतिका, कॉल यू बैक। ड्राइवर से के गाड़ी निकाले, मुझे मंदिर जाना है। ओके, कर दे। और सुन, पूजा की थाली लेकर अच्छे सजा के, फूल वगैरह, ठीक है? डोंट वरी। ओके, फ्लाई। कृतिका जी, मामी, पुत्र महेश जी कहाँ पे है? मामा जी, मैंने देखा था, उन्हें जाना था ना मंदिर मॉम के साथ। कहाँ है भाई? नो आइडिया मामा। मैं फिलहाल जा रही हूँ, नानी को पूजा की थाली चाहिए। ओके, ठीक है। मम्मी जी, ऋषभ और प्रीता को देखा आपने? कमरे में होंगे ना। अरे तो बुलाओ ना उन्हें, मुझे भी पता करना है कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। वो अर्जुन से मिलने गया था ना। महेश जी, आप जॉगिंग सूट में? आप तो मम्मी जी के साथ मंदिर जाने वाले थे ना। अरे तो ये जॉगिंग पे लेके गया ना, मुझे दौड़ा दौड़ा के थका दिया इस आदमी ने मुझे। वर्कआउट करना चाहिए, पेट कम करना है ना। हाँ तो हो गया बहुत कम मेरा। ये करने के चक्कर में काफी देर हो चुकी है, जाइए, जाके तैयार हो जाइए। हो जाता हूँ तैयार, लेकिन कम से कम पहले ऋषभ को तो बुलवाओ, पता तो लगे आखिर कल रात को क्या हुआ। वो अर्जुन से मिलने गया था, कुछ पता नहीं चला हम लोगों को अभी तक। हाँ ये बात तो है। इस घर का कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो ये घर बचा। क्या हुआ? राखी मैम, वो किचन की जो विंडो है ना, वो रात भर खुली थी। मेरे ख्याल से कल रात को किचन से आखिर में तू ही निकली थी, तो खिड़की तुझे ही बंद करनी चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने बंद नहीं की, भूल गई, तो कोई और कर लेता। यही तो पॉइंट है कि मैं ना करूँ तो कोई करेगा ही नहीं। कोई अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे समझता ही नहीं, एक तू ही तो है। ऋषभ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा। ऋषभ, तू कल रात को मुझसे मिलने नहीं आया। मैं तेरे कमरे में आई तो तुम दोनों तो सो चुके थे। कल रात को अर्जुन के यहाँ क्या हुआ बता ना, हम सब जानना चाहते हैं। मैं प्रीता से बदला लूंगा, और जो तुम दोनों की जो खोखली शादी है ना, उसको सबके सामने लाकर रखूंगा। ऋषभ बेटा, बोलो ना। बोल बेटा, क्या हुआ? कल जो कुछ भी हुआ वो अगर घर वालों को बताया तो सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, हमें नहीं बताना चाहिए। जाओ वहां पर उनके पास, कोई भी झूठी कहानी बताओ तुम उनको, कुछ भी बोलो, और सबसे पहले ना उनके बिजनेस पर वार करो और छिप कर वार करो, ताकि तुम्हारे वार को कोई रोक ना पाए। इन 7 दिनों में पूरी दुनिया को सच्चाई पता चलेगी। सच यही है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अर्जुन पुत्र, तू घर आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि सब ठीक हो गया है। मैं यहां सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं आया। एक्चुअली कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए
तुम माफी मांगने आए हो, क्योंकि रात को जो चढ़ी थी वो अब उतर गई है और अब तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुमने कितना घटिया मजाक किया था। लेकिन अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हें माफ कर देंगे तो यू आर रॉन्ग। जाओ यहां से। सही कह रही हो तुम। याद है मुझे सब कुछ जो कल रात को हुआ था, और यही कहा था ना मैंने कि मैं प्रीता से शादी करूंगा। नशे में कहा था। नशे में कहा था, इसलिए तुम्हारा नशा उतारने के लिए सिर्फ एक थप्पड़ लगाया था, वरना जो हरकत तुमने की थी ना, तुम्हारा मुंह तोड़ देता मैं वहीं पर। ना 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 ना, मुझे नशे का कोई फायदा नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुमसे कोई माफी चाहिए। क्यों मांगू मैं तुमसे माफी? सिर्फ इसलिए कि मैंने ये कह दिया कि मुझे प्रीता से शादी करनी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, जुबान से ना प्रीता जी का नाम मत लेना। आउट। देखा, कहा था ना मैंने आप सब से कि ये कितना बुरा इंसान है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने तुमसे कभी कोई राय मांगी कि मैं अच्छा हूं या नहीं? आपको शर्म नहीं आती है क्या? I cannot believe कि आप वही इंसान है जो उस दिन मेरे लिए गुंडों से लट पड़े थे। और क्या कहते हैं आप मुझसे? भाई हूँ मैं तेरा, छोटी बहन है तू मेरी। ऐसे होते हैं क्या भाई? मेरे भाई होते ना आप तो औरतों की इज्जत करना जानते। आप जैसा इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता है, सोचना भी मत। हर किसी ने कहा कि तुम एक बुरे इंसान हो, पर मेरा दिल जानता था कि कितने भी बुरे ही सही तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन नहीं, आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम कितने घटिया और कितने गलत इंसान हो। तुम जैसी गलती को मैं इस घर में अपने परिवार के सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आउट। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? तुम्हें याद नहीं है क्या कि प्रीता ऋषभ की पत्नी है? किसी और की वाइफ के साथ शादी करने की बात कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म करो अर्जुन, इस घर की बहू के बारे में तुम ऐसे बातें कर रहे हो, इतनी बुरी बातें। मैंने तुम पे सबसे ज्यादा विश्वास किया था। मेरा पूरा परिवार कहता रहा मुझसे कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। और आज आज तो तुमने हद ही पार कर दी अर्जुन। क्या सोच समझ के तुम ये बोल रहे हो मेरी बहू के बारे में? आउट। सुन लिया? क्या और कुछ सुनना बाकी? सिक्योरिटी बोला कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम? जाओगे धक्के मार के बाहर निकलवाएं। क्या हो गया? आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बोला ना ऋषभ जी ने, बाहर निकालो इसे। रीता क्यों चिल्ला रही हो? गला फट जाएगा तुम्हारा। यही जानना चाहती हो ना तुम कि ये सब लोग सारे स्टैचूज बन के क्यों खड़े? मैं बताता हूँ, मुझसे पूछो ना। दरअसल मैंने इनकी एजेंसी को टेक ओवर कर लिया है। तो अब ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे, इनफैक्ट किसी की भी नहीं सुनेंगे। अगर ये किसी की सुनेंगे तो वो है सिर्फ मेरी। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? ट्रेलर देखना है। गाज समीर को उठा के बाहर फेंक। मेरे भाई के ऊपर हाथ मिल। स्टॉप। जा सकते हो तुम लोग। अब अगर ये छोटा सा ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा तो समझ में आ ही गया होगा कि पूरी पिक्चर क्या हो सकती है। और तुमने क्या कहा था कि मैं लड़की की आड़ में वार करता हूं? ऋषभ को बदनाम करने के लिए एक लड़की की इज्जत को बेइज्जत कर रहा हूं? घटिया इंसान हूं मैं? डिस्गस्टिंग हूं?
तुम्हारी नजरों में नीचे गिर गया हूं। तो आज सबके सामने मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, और आज लड़की की आड़ में वार नहीं करूंगा। मैं सबके सामने छाती ठोक के बोल रहा हूँ, ऋषभ का जो ईमान है, ऋषभ का जो गुरूर है ना, उसे चकनाचूर कर दूंगा अगले 7 दिनों में। और ये 7 दिन किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाले। अगले 7 दिनों में तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा।